रीजन पढ़ेंगे बेटा। लेंस हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, और अगर उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं तो हम बाद में फिर उसको वैसे ही करेंगे। वैसे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, उसमें कुछ बचा नहीं है। अब प्रिज्म पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिज्म है क्या? तो प्रिज्म हमारा कोई ट्रांसपेरेंट मीडिया है, बाउंडेड बाय टू इंक्लाइंड प्लेन सरफेसेस। यानी हमारे पास, हम उसको प्रिज्म बोलेंगे, ये सरफेस भी प्लेन है और ये सरफेस भी हमारा प्लेन है। ये कोई ट्रांसपेरेंट आपके पास मीडिया है, टूटा हुआ हो गया मान लेते हैं। इंसिडेंट रे इज ऑन द वन ऑफ द सरफेस एंड इमरजेंट रे इज फ्रॉम द अदर सरफेस, दूसरे सरफेस से जो आपके पास इमरजेंट रे है आपके पास। व्हाट इज सेड टू बी एंगल ऑफ प्रिज्म? ये हमारे पास प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस को प्रोड्यूस कर दिया। ये हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस को प्रोड्यूस कर दिया। दिस एंगल, इस एंगल को हम क्या बोल करके चलते हैं? दिस एंगल इज सेट टू बी व्हाट? इस एंगल को हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोल करके चलते हैं। तो इतना है, ये चीज है हमारे पास। अब हम कैलकुलेट करके चलेंगे कि व्हाट इज द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म। देखो, स्लैब जो होती है हमारी, ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब हमारी डेविएशन प्रोड्यूस नहीं करती, सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करती है। यानी ग्लास स्लैब में हमारे पास एंगल, जो इमर्जेंट रे है, दैट इज पैरेलल टू दी व्हाट? इंसिडेंट रे। ठीक है, बट प्रिज्म में ऐसा नहीं है। प्रिज्म के अंदर आपके पास जो इमर्जेंट रे होगी दैट विल बी डेविएटेड। वी विल कैलकुलेट कि व्हाट इज द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही कैलकुलेट करके चलेंगे। बाद में लेट अस कंसीडर, दिस इज द प्रिज्म ए बी सी विद एंगल ऑफ प्रिज्म ए। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा? हम कैलकुलेट कर रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन। वी आर कैलकुलेटिंग एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रिज्म। प्रिज्म आपका कितना एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस करेगा, ये हम कैलकुलेट करके चलेंगे। अगर मैं बात करके चलूं, फॉर सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करके चलते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए करके चलते हैं कि भाई दिस मीडिया हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन, दिस हैज म्यू एंड दिस हैज अगेन वन। तो एयर से हम प्रिज्म में घुसे और फिर प्रिज्म में से हम बाहर निकल करके चले गए। फिर मान के चलते हैं, लेट दिस इज द इंसिडेंट रे, वी नेम इट एज के एल। हम इसको इंसिडेंट रे मान लेते हैं, दिस इज के एल। और वी आर गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर बिकॉज दिस इज सपोज टू बी एयर, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। वेयर इज द नॉर्मल? ये मैंने नॉर्मल डाल दिया, दिस नॉर्मल इज एन वन। ये नॉर्मल मेरे पास किसके बराबर है? एन वन के बराबर है। एन वन आपका नॉर्मल है, एल एन वन हो गया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेट आई टेक इट एज आई वन।
इसको मैं क्या ले लेता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ I1 ले लेता हूँ। इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, दिस इज एंगल R1, ये एंगल हमारे पास क्या हो गया, ये एंगल हमारे पास R1 हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पर जाकर के M के ऊपर जाकर के ये आपके पास इट इज अगेन चेंजिंग इट्स मीडिया एंड वी आर सपोजिंग दैट TIR इज नॉट टेकिंग प्लेस। हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई TIR इज नॉट टेकिंग प्लेस, वो हम बाद में निकाल भी लेंगे कि भाई व्हाट इज द कंडीशंस फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट देयर विल बी TIR और देयर विल नॉट बी TIR, ठीक है। बिकॉज एट दिस सर्फेस एट द पॉइंट एम यू आर गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडिया देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी दैट देयर विल बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बट वी आर सपोजिंग दैट कि भाई हमारे पास इस एंगल को भी मैं जानबूझ करके R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज R2 एंड वी आर सपोजिंग दैट दिस इज R2 इज लेसर देन द क्रिटिकल एंगल। हमारा R2 जो है आपका किससे लेसर है, R2 इज लेसर देन क्रिटिकल एंगल, और ये आपके पास यहां पर जाकर के इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल एंड आई एम टेकिंग इट एज I2। मैं इसको क्या लेकर के चल रहा हूं, आई एम टेकिंग इट एज I2। अब हमें करना क्या है, अब हमें ज्योमेट्री से एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ I1, I2, R1 एंड R2, ज्योमेट्री से कैलकुलेट करना है। लेट मी ट्राई, हम इसको आगे प्रोड्यूस कर देते हैं, इंसिडेंट रे को हम आगे प्रोड्यूस कर देते हैं, ये हमने इंसिडेंट रे आगे प्रोड्यूस कर दी और ये हमारे पास जो इमर्जेंट रे थी इसको मैंने पीछे प्रोड्यूस कर दिया और दोनों ये पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुई, दोनों कहां पर इंटरसेक्ट हुई, ये आपके पास पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुई और पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुई तो हमने ये आपके पास व्हाट इज दिस, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। द इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे आपके पास ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी और ये आपके पास डेविएशन प्रोड्यूस हो गया, किसके अंदर डेविएशन प्रोड्यूस हो गया, आपके पास रे के अंदर डेविएशन प्रोड्यूस हो गया। तो ज्योमेट्री से अगर हम इसको कैलकुलेट करके चलें कि भाई ज्योमेट्री से हमारे पास ये एंगल ऑफ डेविएशन किसके बराबर आएगा, तो एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पर अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, आई थिंक दिस एंगल इज I1 माइनस R1, एम आई राइट, I1 किसके बराबर, ना सॉरी, आपके पास ये जो एंगल है हमारे पास PLM जो एंगल है हमारे पास दैट इज व्हाट, I1 माइनस R1, और इसी तरह से व्हाट इज एंगल PML, I2 माइनस R2। तो ये वाला मेरे पास एंगल हो गया, ये वाला मेरे पास एंगल हो गया I2 माइनस R2, यानी मैं लिखूं इन ट्रायंगल, मैं लिखूं इन ट्रायंगल PLM एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू एंगल PLM प्लस एंगल PML, एंगल PLM प्लस एंगल PML कितना आ गया बेटा, ये हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा इज इक्वल टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, एंगल I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। तो ये मेरे पास कैलकुलेट होकर के आ गया डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। अब एक चीज और देखते हैं,
लेट मी सी वन मोर थिंग, इज देयर इज एनी रिलेशन बिटवीन आर वन आर टू एंड ए? क्या आर वन आर टू और ए में कोई रिलेशन है? इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन आर वन आर टू एंड ए? बात ही खत्म हो जाए. लेट मी चेक. इसको इक्वेशन नंबर मैं वन दे देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर मैं वन दे देता हूं, एंड आई एम अज्यूमिंग द क्वाड्रिलेटरल ए एल ओ एम. क्वाड्रिलेटरल ए एल ओ एम, क्वाड्रिलेटरल ए एल ओ एम, क्वाड्रिलेटरल ए एल ओ एम क्या कहता है? व्हाट आर द सम ऑफ द फोर एंगल्स एंड व्हाट आर दोज फोर एंगल्स? एंगल ए प्लस 90 प्लस ओ प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री. भाई क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल्स का सम डेफिनेटली आपके पास 360 डिग्री होता है, क्योंकि अगर आप उसकी कोई भी डायगोनल डाल दो तो दो ट्राइंगल बन जाएंगे और दो ट्राइंगल्स का आपका सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. तो दो ट्राइंगल बन गई तो 360 डिग्री हो गया. अब अगर मैं बात करके चलू, ए तो एंगल ए ही है, एंगल ए तो किसके बराबर है? ए के बराबर ही है. और एल ओ, एल ओ जो है हमारी प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल है, नॉर्मल ऑन द सरफेस. और इसी तरह से हमारे पास एम ओ भी क्या है? प्रोडक्शन है नॉर्मल का. तो ये दोनों एंगल किसके बराबर हो गए? 90 डिग्री के बराबर हो गए. तो यहां से मेरे पास एंगल ए प्लस एंगल ओ किसके बराबर आ गया? 180 डिग्री के बराबर आ गया. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. ये क्या है आपके पास? दिस इज इक्वेशन नंबर व्हाट? सेकंड. नाउ थिंक अबाउट द ट्राइंगल पी, सॉरी एल एम ओ. थिंक अबाउट द ट्राइंगल एल एम ओ. ट्राइंगल को आप कंसिडर करिए और शायद हमें कुछ मिलेगा. ट्राइंगल एल एम ओ आर वन प्लस आर टू प्लस ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री. आर वन प्लस आर टू प्लस ओ किसके बराबर हो गया? आर वन प्लस आर टू प्लस ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री. भाई ये आर वन हो गया, ये आर टू हो गया, ये किसके बराबर हो गया? ओ के बराबर हो गया. दिस इज 180 डिग्री. एंड फ्रॉम दिस, एंड फ्रॉम दिस, यानी फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड से और थर्ड से हमारे पास क्या आया? सेकंड से और थर्ड से हमारे पास आ गया ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू. वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. ए किसके बराबर आ गया आपके पास? आर वन प्लस आर टू के बराबर आ गया. भाई अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करके चलूं या सब्ट्रैक्ट करके चलूं, ठीक है, तो यहां से आपके पास 180 डिग्री की जगह 180 डिग्री है, ओ की जगह ओ है, तो ए की जगह किसके, क्या चीज आ गई हमारे पास? ए की जगह हमारे पास आर वन प्लस आर टू आ गया. तो ये एक मोटी सी रिलेशन आ गई मेरे पास कि भाई क्या आ गया मेरे पास? ये एंगल ऑफ डेविएशन इज, एंगल ऑफ डेविएशन इज, व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? एंगल ऑफ डेविएशन इज हाउ मच? एंगल ऑफ डेविएशन इज आई वन प्लस आई टू माइनस ए. दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाई अ प्रिज्म व्हेन टीआईआर नॉट ऑकर्स. तब भैया ये तब पॉसिबल है जब आपका क्या नहीं हो रहा है? टीआईआर नहीं हो रहा है. हम इसको थोड़ा सा स्पेशलाइज कर देते हैं. If A and I is small, if angles are small, if angles are small, थोड़ा सा स्पेशलाइज कर देते हैं. यानी अब जो आपका नेक्स्ट फार्मूला कैलकुलेट होकर के आ रहा है वो स्पेशलाइज्ड फार्मूला है. क्या स्पेशलाइज्ड फार्मूला है? इन दैट केस वी आर टेकिंग एंगल्स आर स्मॉल, एवरी एंगल इज स्मॉल.
एवरी एंगल इज स्मॉल, यानी ए हमारा स्मॉल है, ए क्या है हमारा स्मॉल है, आई स्मॉल है, और आई अगर स्मॉल होगा तो आर ऑटोमेटिकली भी क्या होगा आपका स्मॉल ही होगा, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो अगर हमारे पास एंगल्स स्मॉल हैं, देन व्हाट विल हैपन, देन आई विल से दैट इफ एंगल्स आर स्मॉल देन साइन थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय थीटा, साइन थीटा जो है दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट थीटा, यानी मैं अगर लिख करके चलूं साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल टू म्यू हियर, चाहे आप लेफ्ट टू राइट चल लो तो भी म्यू आएगा और राइट टू लेफ्ट चल लो तो भी म्यू आएगा, क्यों हमने नाम ही ऐसे रखे हैं, क्योंकि यहां भी आप वन से म्यू जा रहे हो आई नाम रखा, इधर भी आप वन से म्यू जा रहे हो हमने क्या नाम रखा आई नाम रखा। तो हमारे पास मोटी सी बात आ गई कि दिस इंप्लाइज दैट आपके पास आई इज इक्वल टू म्यू आर, साइन आई आपका आई में कन्वर्ट हो गया और साइन आर आपका किस में कन्वर्ट हो गया आर में कन्वर्ट हो गया, तो साइन आई आई में कन्वर्ट हो गया, साइन आर किस में कन्वर्ट हो गया आर में कन्वर्ट हो गया, तो व्हाट इज आई वन, फ्रॉम फोर डेल्टा इज इक्वल टू म्यू आर वन प्लस म्यू आर टू और माइनस ए, और ये आपके पास म्यू ए माइनस ए और ये आपके पास म्यू माइनस वन इंटू ए, दिस इज डेल्टा। और नेचर में जो प्रिज्म अकर होते हैं वहां आमतौर पर हम यही मान करके चलते हैं दे वहां पर आपके पास एंगल जो होता है दैट इज स्मॉल, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है दैट इज स्मॉल, ए स्मॉल हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ए स्मॉल होने से क्या फर्क पड़ेगा, देखो मोटी सी बात है ए भी स्मॉल होना चाहिए, क्यों स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि ए मेरे पास आर वन प्लस आर टू है, अगर मैंने आई वन को स्मॉल कर दिया तो आर वन स्मॉल होगा, बट अगर ए बड़ा है, ए अगर बड़ा है तो आपका आर टू बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ए तो किसके बराबर है आर वन प्लस आर टू के बराबर है, आपने आई छोटा कर दिया आर वन तो छोटा हो गया बट आर टू क्या हो जाएगा आपका बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए ये वाला फार्मूला हमारे पास जो वैलिड होगा ये केवल और केवल कब वैलिड होगा, देन ऑल द एंगल्स आर स्मॉल। तो जनरली हम ये फार्मूला डिस्पर्शन के फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं, किसके फिनोमिनाज को करते हैं डिस्पर्शन के फिनोमिनाज को। हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसको स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है आपके पहले सिलेबस में होता था ये स्पेक्ट्रोमीटर, अब नहीं होता आपका स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर होता क्या है, स्पेक्ट्रोमीटर में एक तीन चीजें होती हैं और वो क्या तीन चीजें हैं, मोटे तौर पर तीन चीजें होती हैं, एक तो होता है कॉलिमेटर, एक होता है प्रिज्म टेबल, एक होता है टेलीस्कोप, नोट करने की जरूरत नहीं है फॉर योर टाइम नॉलेज, वैसे बता देता हूं कभी जरूरत पड़े तो ध्यान में आ जाएगा आपको। कॉलिमेटर क्या करता है, कॉलिमेटर फाइन बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है, कॉलिमेटर आपका क्या प्रोड्यूस करता है, कॉलिमेटर आपका फाइन बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है। प्रिज्म टेबल जैसे नाम ही है प्रिज्म टेबल आपका, तो मोटी सी बात है कि प्रिज्म टेबल के ऊपर प्रिज्म रखा गया होगा, प्रिज्म टेबल के ऊपर प्रिज्म रखा गया होगा, चलो ये प्रिज्म टेबल मान लेता हूं मैं,
और इसके सामने एक टेलीस्कोप होता है। इसके सामने क्या है? टेलीस्कोप है। प्रिज्म रखा ही नहीं है, प्रिज्म हमारा रखा ही नहीं है। और ये जो टेलीस्कोप है ये स्केल के साथ अटैच है, एंगल्स बने हुए हैं। ये जो टेलीस्कोप है किसी एक्सिस के अबाउट क्या कर सकता है, ये आपका कौन से एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, उसके अबाउट रोटेट कर सकता है जहां पे प्रिज्म टेबल रखी है, जहां पर क्या रखी है? प्रिज्म टेबल रखी है। अब यहां से मान लो मेरे पास क्या मेजर हो गया, थीटा वन मेजर हो गया। क्या मेजर हो गया हमारे पास यहां से? थीटा वन मेजर हो गया। अब क्या कर दिया हमने इसके प्रिज्म टेबल के ऊपर क्या रख दिया? प्रिज्म टेबल के ऊपर हमने प्रिज्म रख दिया। अब डेफिनेटली ये लाइट क्या हो जाएगी? डेफिनेटली ये लाइट होगी डेविएट। अब डेविएट होगी इसको रोटेट करवा करके लेके आएंगे, दोबारा अपने व्यू में लेकर के आएंगे और क्या मेजर कर लेंगे? क्या मेजर कर लेंगे? थीटा टू। और डेफिनेटली व्हाट विल बी डेल्टा? डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा फिर आपके पास? थीटा टू माइनस थीटा वन। यानी इस तरह से हम क्या मेजर कर सकते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन मेजर कर सकते हैं। वी कैन मेजर द एंगल ऑफ डेविएशन। ये काम क्या रहेगा? लेट मी सी मोर। एक और फार्मूला मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड सेड टू बी प्रिज्म फार्मूला। प्रिज्म फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और अभी जो हमने एंगल ऑफ डेविएशन का आर्टिकल कैलकुलेट किया है आधा सारा वही है। सेम फिगर विल बी देयर। Prepare the figure. जिस तरह से हमने पुराने आर्टिकल में किया है उसी तरह से हम इसको करेंगे। डेल्टा निकालेंगे,
सेम आगे चलेंगे, कहाँ तक चलेंगे? डेल्टा इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू माइनस ए तक, यहां तक चलते हैं। कहां तक? डेल्टा इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू माइनस ए तक चले। इन ट्राइंगल पी एल एम डेल्टा इज इक्वल टू एंगल पी एल एम प्लस एंगल पी एम एल, एंगल पी एल एम प्लस एंगल पी एम एल और दिस इज इक्वल टू आई वन माइनस आर वन प्लस आई टू माइनस आर टू। क्या है हमारे पास? ये आई वन माइनस आर वन प्लस आई टू माइनस आर टू किसके बराबर कैलकुलेट होकर क्या आ गया? ये मेरे पास आई वन प्लस आई टू माइनस आर वन प्लस आर टू और ये हमारे पास किसके बराबर आ गया? ये हमारे पास आ गया आई वन प्लस आई टू माइनस ए। नो नीड टू प्रूव इट। और उस आर्टिकल में भी आपको अगर थ्योरेटिकल एग्जाम में आ जाए तो प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू फ्रॉम ज्योमेट्री। ए आपका किसके बराबर है? आर वन प्लस आर टू फ्रॉम ज्योमेट्री। नाउ व्हाट हैपेंस टू डेल्टा विद एंगल ऑफ इंसिडेंस? अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करें तो डेल्टा के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? ये डेल्टा है मेरा। अगर मैं आई वन इंक्रीज करूं व्हाट विल हैपन? कोई हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। अगर मैं वैसे सोचूं तो कैसे भला? आई वन बढ़ा, आई वन बढ़ा तो आर वन बढ़ा, आर वन बढ़ा तो आर टू घटा। नहीं समझ में आया। आई वन बढ़ता है तो आर वन बढ़ता है, ये बात कितने लोगों को समझ में आती है? सबको आती है। आर वन बढ़ता है तो आर टू घटता है, ये बात किसको समझ में आती है? ये इक्वेशन कह रही है, ये इक्वेशन कह रही है कि भाई आर वन बढ़ेगा तो आपका आर टू क्या करेगा? घटेगा। अब आर टू घटेगा तो आई टू घटेगा क्योंकि फिक्स रेशियो है। साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर की क्या है हमारे पास? फिक्स रेशियो है। तो अगर मेरे पास आई वन बढ़ रहा है तो आई टू घट रहा है, तो मेरे पास कोई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आई नहीं कि भाई डेल्टा जो है वो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है या कांस्टेंट रह रहा है। तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन तो नहीं आई, बट कोई बात नहीं, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मत आओ, वी विल प्लॉट द ग्राफ। मैं वेरिएशन देखने के लिए क्या करें बाद में? फिर हम कई सारे एक्सपेरिमेंट करें अलग अलग इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, क्या करें? एक्सपेरिमेंट करें और अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर आपका एक्सपेरिमेंट करके और एक ग्राफ प्लॉट कर देते हैं और वो ग्राफ किस किस के बीच में होगा? डेल्टा में और आई में। इट इज फाउंड दैट, इट इज फाउंड दैट व्हेन ए ग्राफ इज प्लॉटेड डेल्टा वर्सेस आई, डेल्टा का ग्राफ प्लॉट किया किसके वर्सेस प्लॉट किया? आई के वर्सेस प्लॉट किया, तो कैसा ग्राफ आएगा? लेट मी डिस्कस। एक लाइन बोल रहा हूं, मेरे को बताना कि किस किस को समझ में आती है। फॉर टू एंगल ऑफ इंसिडेंसेस डेल्टा विल बी सेम। दो एंगल ऑफ इंसिडेंसेस के लिए डेल्टा सेम होगा, फिर अलग दो एंगल्स के लिए डेल्टा सेम होगा। आपके फिगर में रिप्रेजेंटेड है,
I1 and I2 are two angle of incidences for which there is same angle of deviation delta. मोटी सी बात कि भाई मैंने ये एंगल आई वन इंसिडेंस एंगल लिया, एंगल ऑफ डेविएशन कितना आया, डेल्टा आया। मैं अगर इसको इस आई वन की बजाय ये वाला आई टू ले लेता तो भी डेल्टा सेम आता, यानी पेयर बना हमारे पास, ठीक है। और ये आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन जब हम ग्राफ प्लॉट करके चलेंगे तो हमारे पास ये एंगल ऑफ डेविएशन कुछ इस तरह से आएगा। अगर मैं बात करके चलूंगी एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा जीरो ही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर, मेरा जीरो के बराबर है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा जीरो के बराबर है तो आपके पास आई वन जीरो हो गया, आई टू जीरो नहीं हुआ। क्या जीरो हुआ? आई वन जीरो हुआ। क्या जीरो नहीं हुआ? आई टू जीरो नहीं हुआ। वहां पर आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है मैक्सिमम आएगा। यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ इन योर प्रैक्टिकल, दिस ये प्रैक्टिकल में आपको ग्राफ प्लॉट करना। तो ये मेरे पास डेल्टा का वेरिएशन आ गया और ये मेरे पास आई का वेरिएशन आ गया। ये आई वन है और ये आई टू है फॉर सेम डेल्टा, फॉर सेम डेल्टा। सेम डेल्टा के लिए हमारे पास ये आ गया। अब आप खुद सोचिएगा, ऑटोमेटिकली इस ग्राफ के अनुसार अगर आई वन बढ़ेगा तो क्या होगा? ये आई वन बढ़ गया, डेल्टा घट गया। व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग आई टू? भाई आई वन मेरा राइट में चलता है तो आई टू किधर चलेगा? लेफ्ट में चलेगा। मिनिमम डेविएशन के ऊपर क्या होगा? व्हाट विल हैपन एट हियर? यहां पर क्या होगा? आई वन किसके बराबर आ जाएगा? आई टू के बराबर आ जाएगा। यहां पर आपका I1 किसके बराबर आ जाएगा? I2 के बराबर आ जाएगा। ये डेल्टा M और यहां पर आपके पास, यहां पर आपके पास I1 is equal to I2 is equal to I से I1 किसके बराबर? I2 के बराबर। और वो हमने मान लिया किसके बराबर है? I के बराबर मान लिया, ठीक है। तो फ्रॉम ग्राफ व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, ग्राफ आपका क्या कहता है? ग्राफ आपका यह कहता है कि जब आपका डेल्टा किसके बराबर है? डेल्टा एम के बराबर है तो हमारे पास आई वन किसके बराबर है? आई टू के बराबर है। ठीक है, और I1 इज इक्वल टू I2 तो हमने उसको मान लिया किसके बराबर है? I से। और अगर ये मेरे पास I के बराबर है देन इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देन बाय इक्वेशन फर्स्ट, फिर बेटा इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है? इक्वेशन फर्स्ट कहती है डेल्टा एम इज इक्वल टू आई प्लस आई माइनस ए। तो यहां से मेरे पास आई हो गया ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय टू। आई किसके बराबर हो गया आपके पास? आई विल बी इक्वल टू I will be equal to A plus delta M divided by 2, right? What will be R?
व्हाट विल बी आर? अगर I1 I2 के बराबर है, इफ I1 इज इक्वल टू I2, डेफिनेटली R1 भी R2 के बराबर होगा। I1 अगर हमारा I2 के बराबर है तो R1 भी किसके बराबर होगा? आपका R1 भी हमारा R2 के बराबर होगा। और इसको क्या मान लें, R से इसको क्या मान लिया हमने, आर मान लिया, और आर विल बी इक्वल टू ए बाई टू फ्रॉम सेकंड। इसको सेकंड नाम दे देता हूं। क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास आर इज इक्वल टू ए बाई टू। नाउ स्नेल्स लॉ क्या कहता है? साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ आर इज इक्वल टू म्यू। स्नेल्स लॉ क्या कहता है आपको? आपको स्नेल्स लॉ कहता है साइन ऑफ आई किसके बराबर होगा? साइन ऑफ आर के बराबर, नहीं सॉरी, साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ आर किसके बराबर होगा? साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ आर इज विल बी इक्वल टू म्यू। पुट द वैल्यू ऑफ आई एंड आर, यू विल गेट प्रिज्म फार्मूला। पुट द वैल्यू ऑफ I and R, you will get prism formula. तो बेटा ये हमारे पास साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए बाई टू इज इक्वल टू म्यू। अगर आपके पास आइसोसेल प्रिज्म है, अगर आपके पास आइसोसेल प्रिज्म है डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम के ऊपर आपकी एल एम जो है वो बी सी के पैरेलल होगी। अगर आपका आइसोसेल प्रिज्म, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर आपकी इक्वल है तो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके पास ये वाली जो रे होगी, रिफ्रैक्टेड रे जो है वो आपकी पैरेलल होगी। किसके पैरेलल होगी? बेस के पैरेलल। क्लियर? दो चीजें पढ़ी, कौन कौन सी चीज पढ़ी? एंगल ऑफ डेविएशन, बेसिक डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन इज आई वन प्लस आई टू माइनस ए, डेल्टा इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू माइनस ए। बट इफ वी कंसिडर द एंगल्स आर स्मॉल देन दैट फॉर्मूला विल बी कन्वर्टेड इंटू डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए। डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा फिर हमारे पास? म्यू माइनस वन इंटू ए। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज प्रिज्म फार्मूला। ये क्या है हमारे पास? प्रिज्म फार्मूला है। अगर हमें कोई यूं कह करके दे बता दे कि भाई मेरे पास एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, कैलकुलेट प्लीज, आई हैव एन इक्विलेटरल प्रिज्म फॉर विच एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम डेविएशन इज 60 डिग्री। I have an equilateral prism for which angle of minimum deviation is 60 degree. Then what will be the refractive index of that prism? I have an equilateral prism in which angle of minimum deviation is 60 degree. Then what will be the refractive index of the material of prism? रूट थ्री डेफिनेटली। भाई ये हमारे पास अगर इक्विलेटरल प्रिज्म है तो हमारे पास एंगल ऑफ जो प्रिज्म हो गया वो किसके बराबर हो गया? 60 डिग्री के बराबर हो गया। और आपका कैलकुलेट हो गया ये आपके पास।
ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस डिस्पर्शन एंड कॉज ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन एंड कॉज ऑफ डिस्पर्शन। वैसे मैंने बढ़ा दिया है आपको, मैंने जिस वजह से डिस्पर्शन होता है उसका काज मैं आपको पढ़ा चुका हूं अर्लियर लेक्चर्स में। लेट मी सी अगेन, डिस्पर्शन एंड कॉज ऑफ डिस्पर्शन। यू मे राइट व्हाट इज डिस्पर्शन, थियोरिटिकल डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्शन इज स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। रेनबो इज एन एग्जांपल फॉर डिस्पर्शन। रेनबो आपका किस चीज का एग्जांपल है? डिस्पर्शन का एग्जांपल। आप अगर किसी प्रिज्म में से व्हाइट लाइट को पास करो, दैट विल ब्रेक, दैट विल स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज सेड टू बी डिस्पर्शन। यू मे डिफाइन, यू मे राइट। क्या मैं लिखूं? यू मे डिफाइन व्हाट इज डिस्पर्शन, फिनोमिनल ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इंटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स। कंस्टिट्यूएंट कलर्स में अगर आपकी व्हाइट लाइट ब्रेक होती है तो आपके पास इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन बोलते हैं। एंड दिस विल हैपन बाय अ प्रिज्म, और वो प्रिज्म किसी भी, भाई दो सरफेस है वो एक दूसरे के इंक्लाइन होने चाहिए, ठीक है। अभी पीछे से पता नहीं मैं पढ़ रहा था किस चीज का क्वेश्चन पेपर आया था, उसमें पूछ रखा था कि भी रेनबो में जो फिनोमेना अकर होते हैं उनकी उनका क्या सीरियल है। तो रेनबो में फर्स्ट रिफ्रैक्शन होता है, फिर TIR होता है और फिर रिफ्रैक्शन होता है। दिस इज वन टाइप ऑफ रेनबो। एक और रेनबो होता है जिसमें रिफ्रैक्शन होता है, TIR होता है, फिर TIR होता है, फिर रिफ्रैक्शन होता है। एक प्राइमरी रेनबो होता है, एक सेकेंडरी रेनबो होता है। कई बार अगर आपने महसूस किया हो बरसात के दिनों में, तो दो तरह के रेनबो दिखाई देते हैं आपको, दो रेनबो दिखाई देते हैं ऊपर नीचे, रेड से वॉयलेट, और फिर दूसरे रेनबो में एक में तो रेड टॉप के ऊपर होगा, एक में वॉयलेट टॉप के ऊपर होगा, उल्टा हो जाता है। उसके पीछे कारण क्या है कि एक और TIR हो गया, दूसरा TIR हो गया। चलो बाद में देखेंगे रेनबो को, अभी तो मैं आपके साथ डिस्पर्शन डिस्कस करता हूं। ए बी सी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ध्यान रखना ये सारी की सारी लाइन है, सेवन की सेवन लाइन है। ये तो इंसिडेंट रे है मेरी और ये नॉर्मल है, इनके बीच में रहेंगी। ऐसा मत कर देना कि भाई मेरे पास ये जा रही है और एक ये आ गई, ऐसा नहीं, नॉर्मल से इधर रहेगी। इंसिडेंट रे एंड रिफ्रेक्टेड रे कांट बी ऑन द सेम साइड ऑफ नॉर्मल। सेवन कर दिया मैंने ये, दिस इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और फिर ये बाहर निकल गई। इट ब्रेक्स इंटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स,
ये किसमें ब्रेक हो गया आपका, ये कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो गया आपका। कौन से कलर्स हैं, किस ऑर्डर में है, वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन ऑरेंज रेड, और नीचे से वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन ऑरेंज रेड, लेट मी चेक। और वो हमें पता लग जाएगा बाय द काज ऑफ डिस्पर्शन, कहां से पता चल जाएगा, बाय द काज ऑफ डिस्पर्शन। एक लाइन बोलता हूं किस किस को समझ में आती है, मोटी सी बात है, यहां पर दिखाई भी दे रहा है मैं, या तो ये वॉयलेट है या ये बड़ा वॉयलेट है, यानी मैंने अलग अलग कलर्स के लिए एंगल ऑफ डेविएशन डिफरेंट बताया। नंबर वन इज लीस्ट डेविएटेड एंड नंबर टू इज मैक्सिमम डेविएटेड, ऐसा ही है ना। द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर डिफरेंट कलर्स इज डिफरेंट, फिगर से दिखाई दे रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर डिफरेंट कलर्स इज डिफरेंट, एंड वी हैव टू एक्सप्लेन दैट व्हाई द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर डिफरेंट कलर्स इज डिफरेंट। You are familiar with a relation that is said to be Cauchy's relation. That is said to be Cauchy's relation. अगर मैं small angle of prism यहां से explain कर देते हैं, मैंने आपको कहा कि dispersion के कुछ formula जो हैं, वो आपके delta is equal to mu minus 1 into a से आपके explain होंगे। Delta किसके बराबर? Mu minus 1 into a के बराबर। और भाई By Cauchy's relation, by Cauchy's relation, Cauchy की relation क्या कहती है? Cauchy की relation कहती है mu is equal to a plus b by lambda square plus c by lambda power 4 plus so on. ओके, नाउ टेल मी, इट इज वी आई बी जी वाई ओ आर, या नीचे से करूं मैं वी आई बी, क्या करूं, नीचे से करूं, यानी रेड इज लीस्ट डेविएटेड एंड वॉयलेट इज मैक्सिमम डेविएटेड, रेड इज लीस्ट डेविएटेड एंड वॉयलेट इज मैक्सिमम डेविएटेड, यही कह रहे हो आप, यानी आप मेरे को यूं कह रहे हो कि भाई वी आई बी G Y O R ऐसे लिखूं, ओके लैम्डा R, देख लो अब क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता, आई हैव टू चेंज और नॉट, लैम्डा R इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑरेंज, ग्रेटर 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 लैम्डा वायलेट, ठीक है, तो फिर आपका म्यू आर विल बी लेसर देन म्यू ऑरेंज, विल बी लेसर देन आर म्यू वॉयलेट, ये आपने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि भाई हमारे पास वॉयलेट कलर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है दैट इज मैक्सिमम, तो वॉयलेट कलर आपका मैक्सिमम डेविएटेड होगा, वॉयलेट कलर क्या होगा आपका मैक्सिमम डेविएटेड होगा, ठीक है। डेल्टा वी, और ये मेरे पास डेल्टा आर, डेल्टा वी और ये हो गया डेल्टा आर, दिस इज सेड टू बी एंगुलर डिस्पर्शन, फिजिकल क्वांटिटी आ गई हमारे पास, फिनोमेना तो डिस्पर्शन है पर जो हमारे पास एक्सट्रीम कलर्स के डेविएशन का जो डिफरेंस है, एक्सट्रीम कलर्स के डेविएशन का जो डिफरेंस है दैट इज सेड टू बी एंगुलर डिस्पर्शन, लेट मी डिस्कस एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशंस ऑफ
एक्सट्रीम कलर्स, डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशंस ऑफ एक्सट्रीम कलर्स। और वो थीटा हो गया मेरे पास डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। थीटा किसके बराबर हो गया? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। दिस इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, दैट विल बी इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इनटू ए। शुड आई एक्सप्लेन दिस रिलेशन और दिस इज क्लियर? दिस इज क्लियर बाय दिस? रेड के लिए म्यू आर हो गया, वॉयलेट के लिए क्या हो गया आपके पास? म्यू वी हो गया। ऑन व्हाट फिजिकल क्वांटिटीज एंगुलर डिस्पर्शन डिपेंड्स? नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। वन मोर थिंग इज देयर, दैट इज सेड टू बी डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर डिस्पर्सिव पावर इज एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। डिस्पर्सिव पावर आपके पास क्या होगा? डिस्पर्सिव पावर आपके पास होगा एंगुलर डिस्पर्शन को डिवाइड कर दीजिएगा, किससे डिवाइड कर दीजिएगा? मीन डेविएशन से डिवाइड कर दीजिएगा। मीन्स दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। ये किससे रिप्रेजेंटेड है? ओमेगा से। एंड व्हाट इज ओमेगा? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा, वेयर डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय टू। एंगुलर डिस्पर्शन क्या चीज है हमारे पास? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। मीन डेविएशन क्या है? वॉयलेट कलर का डेविएशन और रेड कलर के डेविएशन का एवरेज, वो किसके बराबर हो गया आपका? डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय टू। तो ये आपके पास कैलकुलेट होकर के आ गया। एंड शुड आई राइट इट? दैट इज म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू माइनस वन। म्यू इज इक्वल टू म्यू वी प्लस म्यू आर डिवाइडेड बाय टू। म्यू वी प्लस म्यू आर डिवाइडेड बाई टू, ये किस चीज की वैल्यू हो गई? म्यू की। नाउ दिस विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ओनली। यहां पर आपके पास एंगल ऑफ प्रिज्म वाला काम चला गया, एंगल ऑफ प्रिज्म कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास डिस्पर्सिव पावर है। दिस इज डिस्पर्सिव पावर। ये क्या हो गई आपके पास? डिस्पर्सिव पावर हो गई। दिस इज ऑल अबाउट प्रिज्म। ठीक है,
स्कैटरिंग रेनबो ये सिलेबस से हट गए हैं, बट आई विल डिस्कस दिस, उनको मैं डिस्कस कर लूंगा। फिर भी आप अपनी बुक से उनको स्कैटरिंग को रेनबो को एक बार क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, राइट?